और ये कभी कभी क्या होता है पीक आवर्स में इसको एक वन वे ही कर देते हैं लोग। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज कार्तिक। कैसे आप सब लोग? आई होप सो एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आज का जो ब्लॉग होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हम लोग दो लोकेशन में जाने वाले हैं आज। उसमें से एक लोकेशन होने वाला है गणपति मंदिर है, जो कि काफ़ी नज़दीक में है, बट सीनिक व्यू है फॉर श्योर। तो मैं भी फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ और आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। एंड दूसरा जो लोकेशन है वो हम लोग एक अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रॉब्ली दैट माइट बी दी वाटरफॉल, बट पता नहीं अभी बारिश काफ़ी कम हो चुका है तो वाटरफॉल होने वाला है नहीं होने वाला है, नो आइडिया अबाउट दैट। बट माइंड इट, जो भी डोंबिवली से देख रहा है या फिर नियरर थाने या फिर मुंबई से देख रहा है, ये प्लेस मस्ट विजिट प्लेस है। सो या लेट्स स्विच ऑन टू मोटो ब्लॉगिंग मोड। यस, मोटो ब्लॉगिंग मोड ये टाइम रहने वाला है। सो यप। Hey guys, welcome back to another vlog. This is Karthik. कैसे आप सब लोग? I hope so everyone is doing absolutely fine. So हम लोग निकले यहाँ पे पेट्रोल भरने के लिए, एक्चुअली रुके थे, पेट्रोल बिल्कुल नहीं था, बिकॉज काफ़ी टाइम से मेरा गाड़ी जो है ना सिटी में चल रहा है, तो इस वजह से भाई सिटी में तो फुल पेट्रोल दबा के पीती है गाड़ी हाईवे पे नहीं इतना। सो आज हम लोग एक गणपति मंदिर के यहाँ पर जाने वाले हैं, जो कि डोंबिवली में काफ़ी नज़दीक है, शिल्फाटा के यहाँ पर है। बट उसका जो व्यू है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत टाइम से एक्चुअली मैं देख रहा हूँ उसका एंट्रेंस, जब भी मुंबई जाता हूँ या फिर थाने जाता हूँ, बट कभी गया नहीं हूँ वहाँ पर। तो आज वहीं पर जाने वाले है, कुछ नए जगह पर जाने मिल रहा है तो क्यों ना चले जाए, राइट? इसीलिए। और कैसा है कि अभी जैसे जैसा टाइम निकलते जाएगा वैसे वैसा ट्रैफिक होते जाएगा, और आज शाम को भी अच्छा खासा गर्दी रहने ही वाला है फॉर श्योर। बिकॉज कैसा है, मैं जैसा कि कल के ब्लॉग में आपको बताया होगा, नवरात्रि के ब्लॉग में, दशहरे के ब्लॉग में, नवरात्रि का नहीं, कि 11वां दिन भी देवी बहुत सारी जाती है तो विसर्जन के लिए एक्चुअली, तो उसके वजह से शायद से ट्रैफिक रह सकता है। वैसे तो हमेशा रहता है, आपको कोई फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर डोंबिवली में, बस रोड ही वैसे है भाई अपने, एकदम भयानक वाले रोड है। तो स्पार्क प्लग लगाने के बाद है ना, मतलब स्पार्क प्लग का कैप लगाने के बाद काफ़ी स्मूथ चल रही है गाड़ी। आई थिंक सो वो मस्ट नीडेड था। सो एक बार अपन कनेक्ट होते हैं अपना कल्याणशील रोड, फिर उसके बाद बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसा बात करने जैसा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी अपने को ट्राफिक मिलने ही वाला है अभी आगे जाके ईस्ट में। सो गाइस, वी आर फाइनली हियर। तो कल्याणशील रोड के यहाँ पर है हम लोग, ये सर्कल है हमारा यहाँ से सीधा जाओगे तो वहाँ पे नवी मुंबई ये सब आता है, और ये कभी कभी क्या होता है पीक आवर्स में इसको एक वन वे ही कर देते हैं लोग। अब यहाँ से एक टर्न है, वो कौन सा टर्न है वो देखना। So finally we have reached here guys. So guys, here is the location। यहाँ से जो अपना ऊपर वाला रास्ता है वहाँ से अंदर आने का था, और ये पूरा पहाड़ एरिया है, अपनी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है और एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस है यहाँ पे वैसे तो गाड़ी लगाने के लिए। एंड ये जो है ये बेसिकली ऊपर चढ़ने का प्रवेश द्वार है, वहाँ पे सौम्या खड़ी है, तो कुछ इस तरीके से दिखता है, और स्टेप्स काफ़ी अमेजिंग सा है, तो यहाँ पर फोटोज़ भी अच्छे आएंगे, यहाँ पे स्टेप्स में अच्छे अच्छे फोटोस आएंगे। बारिश रहेगा तो और मस्त लगता है क्लाइमेट। हाँ, देखते हैं ऊपर ऊपर जाते हैं, फोटो भी लेते हैं यहाँ पे। कितना ऊपर है क्या? नजदीक रहेगा रे। सो कुछ इस तरीके से है तो पूरा ये दिखता है। बेसिकली एक चीज़ इसका खास ये है कि ये जो है, ये जो लोकेशन है ये पूरा सिटी के यहाँ पर है, यहाँ पे महापे का MIDC एरिया है, और यहाँ पे डोंबिवली और ये साइड में मुमरा दीवा, ये सब के बीच में ऐसा पड़ेगा ये। बट डोंबिवली वालों के लिए काफ़ी नज़दीक है, मुमरा वालों के लिए काफ़ी नज़दीक है, दीवा वालों के लिए भी काफ़ी नज़दीक है, झाड़ है ना रे, पूरा पूरा ये हो जाता है। सही लोकेशन है,
अभी मुझे ये देखना है कि यहाँ पे कुछ सीनिक व्यू है क्या, बिकॉज जिस हिसाब से मैंने लोकेशन देखा है उस हिसाब से व्यू भी रहना चाहिए, नहीं तो पूरा जंगल ही जंगल रहेगा यहाँ पे। फोटोज के लिए काफी अमेजिंग सा है ये स्पॉट। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी है अगर आप देख सकते हो, तो अभी ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब एकदम पास में ही है, यहाँ से ही मंदिर दिखता है थोड़ा बहुत, थोड़ा अगर आप आधा रास्ता ऊपर आ जाओगे तो। आधा रास्ता भी इतना लंबा नहीं है, अभी मैं इतना हाफ इसे ले रहा हूँ बस रील और फोटोज़ के लिए, हम लोग ने थोड़ा मेहनत की है, ऊपर नीचे किया है, इसके वजह से पूरा पसीना पसीना हो गया। सो एनी वेज ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं अभी हम लोग, देखो धूप में एक नंबर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। सो ये जो है ये प्रवेश द्वार है मंदिर का, और यहाँ पे ट्री हाउस है, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्री हाउस है ऊपर, काफ़ी मस्त बिल्ड किया है। और ये जो है ये मंदिर का एंट्रेंस है, नदिया नदी प्राचीन कालातील स्वयंभू गोल गणेश मंदिर। क्लाइमेट एक नंबर चल रहा है, मस्त हवा चल रहा है, पेट में ना गुड़गुड़ ऊपर आया ना भाग के। मंदिर है शायद से पत्थर से फॉर्म हुआ वाला मंदिर है। क्या बोल रहे हैं? व्यू नहीं है यहाँ पे, मंदिर ही है बेसिकली। हम लोग ऊपर आए, इसके नीचे ही मंदिर है ये पूरा, इसके लिए इसको गोल गणपति मंदिर ऐसा बोला जाता है। और ये जो पोर्शन है ये पूरा यहाँ से पानी जाता रहेगा, इसीलिए यहाँ पे ऊपर आने का एक ऑप्शन आपको मिलता है। ये देखो, ये देख के समझते हैं कि यहाँ पे पानी का स्ट्रीम रहेगा पूरा होके ऐसे नीचे जाता रहेगा। सो एनीवेज अभी नीचे उतरते हैं हम लोग। तो स्टेप्स जो है ज़रा संभाल के, नहीं तो फिसल जाओगे। पूरा वो ग्रीन ग्रीन जो है ना वो लगा हुआ है स्टेप में। Hey guys, so अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो दर्शन सब हो चुका है, निकल रहे हैं अभी। एंड दूसरा जो हमारा प्लान था वहाँ पे साइड जाने का, वो हम लोग ने थोड़ा पोस्टपोन किया है, कल के दिन के लिए किया है। तो आज हम लोग यहीं पे जाने वाले और कुछ और ट्राई करने वाले, बिकॉज़ क्या हो गया है हम लोग यहाँ पे ऊपर आ गए पूरा, मैं तो भीग गया हूँ पसीने से। तो सेम वहाँ पे भी है ट्रैकिंग स्पॉट है शायद से, तो प्रॉब्ली वहाँ पे भी वही होने वाला है, क्योंकि वो वाटरफॉल वाला एरिया है वो पूरा। तो आपको बताऊँगा मैं कहाँ जाने वाले हैं हम लोग करके, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको समझ जाएगा, ट्रैवल व्लॉग में बेसिकली। तो अभी हम लोग उतर रहे हैं नीचे एंड सो मैं यहाँ पर है जा रही है। तू नहीं थक गई क्या? ज़रा संभाल के, ये जो स्टेप्स है ये स्टेप्स भी थोड़ा बहुत स्लिपरी है, बट अच्छा है वीकेंड पूरा, मतलब शाम तक का चाहिए। एकदम अर्ली मॉर्निंग आने का, नहीं तो दोपहर के बाद शाम को। सो बेसिकली कैसा है, एक चीज अच्छा लगता है, ये पहाड़ में है और झाड़ों के वजह से है ना आजू बाजू का जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक का आवाज जो भी है वो पूरा डैम्प हो जाता है। अगर एकदम शांत रुकोगे ना यहाँ पे तो आपको ना एकदम हल्का सा आवाज़ आता रहेगा गाड़ियों का, सब मूवमेंट का सब, बिकॉज यहाँ पे मेन चौक है कल्याणशील का, कल्याण फाटा बोलते हैं या फिर कल्याणशील रोड बोलते हैं इसे, शील फाटा आगे है। सो एनीवेज अभी उतर रहे हैं हम लोग
यहाँ से देखते वापस जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली तो घर ही जाएंगे और कुछ और दूसरा ट्राई करेंगे। ये सब कीड़े के मेरे पास से आने देख के चल और भी रहेंगे। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर होटल में नॉर्मल अपना खाना खाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग वहाँ पे गए नहीं, तो वहाँ पे का प्लान कुछ आगे ढकला है, मतलब मोस्टली तो कल ही जाएंगे हम लोग। लेट्स सी कैसा क्या प्लान बनता है उस हिसाब से, और आवाज़ बहुत आता होगा बिकॉज फैन भी चालू है यहाँ पे। एनीवेज आप बताओ आपको ये छोटा सा जो ब्लॉग है वो कैसा लगा। मंदिर के जितने भी ब्लॉग्स हैं बेसिकली हम लोग छोटा ही करने का सोचते हैं, बिकॉज कैसा है मंदिर के अंदर रिकॉर्ड करना मुझे ज़्यादा करके पसंद नहीं है, यहाँ पे कोई था नहीं करके मैंने नॉर्मल रिकॉर्ड किए। आप बताओ आपको कैसा लगा, और आपको ये स्पॉट पता था या नहीं पता था वो बताओ। मोस्टली जो ट्रैवल करते रहेंगे उनको मालूम रहेगा, खास करके जो ऐरोली साइड ट्रैवल करके जाते हैं उनको ये मंदिर के बारे में पता हो सकता है, उस रास्ते में लगता है, बट बाकी लोग को नहीं शायद से पता होगा ये डोंगरी के पास में ये वाला मंदिर है करके। सो एनीवेज आप बताओ आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो आपको बताए क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट करना है, नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड एज ऑलवेज गाइस थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय। बोल पैसा काटना पड़ेगा।